ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2014 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। प्रश्न है, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? उत्तर है, सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है, रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परम धाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो, हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं, कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। वह आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं, कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है, उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम यह बनेंगे। तुम भी समझते हो, हमारा बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह है नई बात, हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं। हमको टीच कर यह बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परम धाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे। रावण कहाँ रहते हैं पता नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण परम धाम में रहते हैं। नहीं, उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं, भटकता रहता है, तुमको भी भटकाता है। तुम रावण को याद करते हो क्या? नहीं, कितना तुमको भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, यह करो। बाप कहते हैं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग, रावण राज्य। गांधी भी कहते थे, राम राज्य चाहिए। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है। बड़ा बाबा है ना, वह आत्माओं से बच्चे बच्चे कहे बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि हमारा कनेक्शन है ही मूल वतन से। आत्माएं परमात्मा
अलग रहे बहुकाल। वहां तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती हैं, फिर अलग होती हैं, अपना अपना पाठ बजाने। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना, वह बाप बैठ बतलाते हैं। तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे, तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते। गुह्य भी कहा जाता, गुह्यतम भी कहा जाता है। तुम जानते हो, बाप कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते हैं, यहाँ आकर समझाते हैं। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूपा हूँ, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, फिर बाप आकर जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं, तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे। बाप ने आकर जगाया है, बच्चों जागो। तुम गाफिल हो यानी अलबेले हो, सोए पड़े हो, इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। वह नींद तो सब करते हैं, सतयुग में भी करते हैं, अभी सब हैं अज्ञान की नींद में। बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो ना यह शरीर काम कर रहा है न आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं। एकदम मुलम्मे का है, 9 कैरेट कहें, अर्थात बहुत थोड़ा सोना। सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एज्ड बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की ठिकर भीतर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य ना, यह समझने की बातें हैं। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी हैं, चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की है देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बगैर देख नहीं सकते। बहुत सूक्ष्म है, कोई कहते हैं आँखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। आत्मा निकलकर जाती कहाँ है, दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, यह पक्का मालूम है। बाप आकर हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग, दूसरे तरफ है सतयुग।
अभी हम संगम पर खड़े हैं, वंडर है, यहाँ करोड़ों मनुष्य हैं और सतयुग में सिर्फ 9 लाख, बाकी सबका क्या हुआ? विनाश हो जाता है, बाप आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है दो रूप में। ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो शोभा ही नहीं है। बच्चों को भी समझा देते हैं, चतुर्भुज है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप। श्री अर्थात श्रेष्ठ, त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। तो बच्चों को यह जो नॉलेज अभी मिलती है, इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही 2 अक्षर, बाप को याद करो। दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा, बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान है। गाते भी हैं, बाबा आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया। ऐसी कोई चीज नहीं जो ना दी हो, सारे विश्व का राज्य दे दिया है। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र फिरता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी, यह 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है, उसकी गिनती नहीं कर सकते। आदम शुमारी भल गिनती कर लेते हैं, बाकी यह जो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, इनका हिसाब निकाल नहीं सकते कि कितना बार बने हो। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का यह चक्र है, यह ठीक है। लाखों वर्ष की बात तो याद भी ना रह सके। अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है, ज्ञान का 3रा नेत्र मिल जाता है। इन आँखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो। 3रा नेत्र जो मिलता है, उनसे नई दुनिया को देखना है। यह दुनिया तो कोई काम की नहीं है, पुरानी दुनिया है। नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं। यह अच्छी रीति याद रखना चाहिए और फिर दूसरों को भी समझाना है कैसे हम यह बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना? विष्णु कैसा सजा सजाया बैठा है और यह ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तुम जानते हो यह ब्रह्मा वह विष्णु बनने वाला है। यह किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है? तुम जानते हो
यह विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। यही विष्णु देवता सो फिर यह मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। वह विष्णु सतयुग का है, ब्रह्मा यहाँ का है। बाप ने समझाया है ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड में, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तत्त्वम केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते हैं ना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। यहाँ कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं है, इनका भी गुरु शिव बाबा, तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा है। उनको सतगुरु कहा जाता है, तो बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है। कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान शिव है। वह हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं, मुझे बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है और झट मामा उनके मुख से आपे ही निकलता है। माँ बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं जाएगा। माँ मर जाती है तो फिर और बात है। पहले है माँ और बाप, फिर पीछे और मित्र संबंधी आदि होते हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी। चाचा चाची दो है ना। कुमारी होगी फिर बड़ी होते ही कोई चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे। अभी तुमको बाप समझाते हैं, तुम सब भाई भाई हो बस। और सब संबंध कैंसल करते हैं। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाप भी कहते हैं, बच्चों मुझे एक बाप को याद करो। कितना बड़ा बेहद का बाप है। वह बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बात भूलो मत। देह अभिमान में आने से ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा शालिग्राम है और एक बाप को ही याद करना है। बाप ने समझाया है, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वह भरपूर हो जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर घुटका खाया है, लेकिन पावन बन नहीं सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है। ज्ञान से ही सदगति होती है। इस समय है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही होती है। मनसा वाचा कर्मणा पाप आत्मा ही बनते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है।
तुम कहते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है। ज्ञान से सदगति होती है। यह यानी देवताएं सदगति में है ना। बाप ने समझाया है यह बहुत जन्मों के अंत में है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना, पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। कितना जादू है, अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो अभी हम हेल के रहवासी हैं। हेल और हेवन अलग है। 5000 वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवान वाच है ना, कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण को तो शरीर है, शिव को है नहीं। उनको मुख तो जरूर चाहिए। तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना। ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज ही उनके पास है। वह सारे कल्प में एक ही बार आते हैं, दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है, तब तो मनुष्य चाहते हैं ना। बाप को याद करते हैं। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं। यहां बैठे भी बाप को याद करो, बाजोली याद करो, तो भी मनमना भव ही है। बाप ही यह सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं। बाप हमको शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हैं। यहां बैठे घर को याद करना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे। घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी। यह देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आपे ही ध्यान में चले जाते थे। अभी यह ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया है। यहां भी कब्रिस्तान बना देते थे। सबको सुला देते थे। कहते थे अब शिव बाबा को याद करो। ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो। किसको भी देखेंगे और वह झट ध्यान में चले जाएंगे। यह जादू कितना अच्छा है।
नौधा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाप खुद आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। आगे चल, तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टांगर है, टुहू भी होती है ना। ब्रैकेट में टांगर टुहू यह सब वैरायटी फूलों के नाम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, देह के सब संबंध कैंसल कर आत्मा भाई भाई है यह निश्चय करना है, और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। दूसरा, अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। वरदान है, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भवा। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्तियां वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। ओम शांति।